और आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, माफ कीजिएगा, हमारे साथ लाइव मौजूद है इस वक्त। जगदम्बिका पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में, मुबारक हो आपको। बिहार में अब एनडीए की सरकार बनने जा रही है नीतीश के नेतृत्व में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। नहीं देखिए, इससे ज्यादा सुखद क्या हो सकता है कि जहां देश में एक तरह से ध्रुवीकरण कर रहे थे लालू यादव, और जब उन्होंने एक महागठबंधन नीतीश का और लालू का बना था, तो वो केवल बिहार तक महागठबंधन की बात नहीं करते थे, वो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये महागठबंधन अभी तो बिहार में है, लेकिन ये महागठबंधन आगे लोकसभा के चुनाव में होगा। और इसके बावजूद अगर उस महागठबंधन को लालू यादव नहीं संभाल के रख पाए, तो अब बिहार में ही अब उनके गठबंधन का जो हश्र हुआ लोगों ने देख लिया, और उसमें जिसकी जिम्मेदारी कि आज वो महागठबंधन में, जिस तरीके से आपने कहा भी कि नीतीश कुमार ने अगर तेजस्वी से इस्तीफा भी नहीं मांगा और केवल ये कहा कि आप पे जो आरोप लग रहे हैं उस आरोप की सफाई पब्लिक लाइफ में जनता के बीच में देनी होती है और जनता संतुष्ट हो, एक तरफ वो कटघरे में थे, सारे साक्ष्य सारे एविडेंसेस सामने हो, अब इसके बावजूद भी न पब्लिक डोमेन में उन्होंने सफाई दिया न लगातार कोई इस तरह से बात की, तो एक स्वाभाविक है कि महागठबंधन से ज़्यादा प्रमुख उनको तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाए रहना था। किस तरह के बयान आ रहे थे आपने देखा, आरजेडी का बयान पहले दिन से डे वन से आ रहा था कि तेजस्वी किसी कीमत पे इस्तीफा नहीं देंगे, तो उनको ये साफ था कि चाहे गठबंधन महागठबंधन रहे, महागठबंधन टूट जाए, लेकिन तेजस्वी उस पद पे रहेंगे। तो अब स्वाभाविक है कि जगदम्बिका जी, मैं आऊंगी सर आपके पास, और जो बात आप कह रहे हैं, दरअसल लालू प्रसाद यादव ने भी अपने ट्वीट कर वही बात की है कि लक्ष्य तो शायद 2019 का था और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि महागठबंधन की भ्रूण हत्या हो गई है, लेकिन फिलहाल जब बीजेपी जेडीयू के समर्थन में आई है तो देखिए जरा आंकड़े क्या कह रहे हैं, ये सरकार बनेगी कैसे एनडीए की बिहार में, बीजेपी के साथ जेडीयू के आने के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी ने नीतीश को अपना नेता मान लिया है, बीजेपी ने फोन कर इसकी जानकारी नीतीश कुमार को दे दी है। देखिए बीजेपी के पास 53 विधायक हैं, बीजेपी के पास 53 विधायक और नीतीश के पास है 71 विधायक, मतलब ये कुल आंकड़ा 124 पहुंचता है और बिहार में जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का वो 122 है, मतलब उससे दो ज्यादा, मतलब सरकार बहुत आसानी से नीतीश कुमार बनाएंगे बीजेपी के साथ मिलकर, 53 बीजेपी के विधायक और 71 जेडीयू के विधायक, बहुमत के लिए 122 चाहिए लेकिन जेडीयू और बीजेपी के विधायक मिलकर आंकड़ा पहुंच जाता है 124 पर। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।